बस एक बार वो मुझे मिल जाए, बाकी वो जैसी है वो जो करना चाहती है, मुझे सब मंजूर है। वो नहीं पढ़ी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मुझे ऐसे छोड़ कर ना जाए कभी। जीजा जी, रमा दीदी यहाँ है। कहाँ है? रमा, क्या पागलपन था ये रमा? ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मुझे लगा कि सच में अपने जीवन में कोई तो घूमती है। कोई घूमती नहीं है मेरे जीवन में, और कभी कोई घूमती आएगी भी नहीं। तुम जैसी हो वैसी रहना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये ऐसा कभी मत करना रमा। नहीं जाऊंगी, लेकिन कल को फिर से कोई कुछ लिख कर देगा तो फिर से गलत फहमी में पड़ जाऊंगी, इसलिए अब मैं पढ़ूंगी। आप मुझे पढ़ाएंगे ना? भीम, लो, तुम्हारा काम तो हो गया। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले में गलती तुम दोनों की है, इसलिए एक दूसरे से माफी मांग लो और इस मामले को यही समाप्त कर लो। नहीं, ये क्यों माफी मांगेंगे? पति है मेरे, मैं माफी मांगूंगी। माफ कर दीजिए। पति हो तो क्या हुआ? पति कभी गलती नहीं कर सकता क्या? और गलती की है तो माफी नहीं मांग सकता क्या? मुझे माफ कर दो रमा। घर चले। आखिर हमारे मोहल्ले में लाइट आ गई। लो, लग गई लाइट, तेल भी डाल दिया। अब जलाने का काम आप सब कर लो, मेरा काम हो गया, अब जो करना है करो, मरो यहीं पे। धन्यवाद। और जो जो लोग लाइट लगाने के विरोध में खड़े हुए थे वो इस लाइट के खंभे के आसपास भी नहीं आएंगे। आपको बधाई हो, आप सभी के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। सबके प्रयास से नहीं, मेरे भीमराव के प्रयास से हुआ है। तुम्हारे भीमराव? दोबारा मत बोलना, मैं तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। भीमराव सिर्फ रमाबाई के है, सिर्फ मेरे। अच्छा,
तुम्हारे साथ इन्होंने शादी की है, इसीलिए तुम मेरे भीमराव बड़े शान से कह सकती हो। लेकिन मेरे साथ इन्होंने प्रेम किया है और उसी प्रेम के नाम पर मुझे धोखा दिया है। मैं तो इन पे हक भी नहीं जता सकती। ए, नाटक नहीं है, सीधे सीधे कह रही हूँ। अगर तुम्हें भेजने वाले नरोत्तम जोशी है तो जाके उनसे भी पूछ लेना कि ये रमा भाई कैसी है, और जब बात उसके पति पर आ जाती है तो वो क्या क्या कर सकती है। ये दूसरी तरह की है, मनाएंगे समझाएंगे, लेकिन ये रमा भाई इनकी तरह नहीं है। जरूरत पड़ने पर हाथ मरोड़ कर भी सीधा कर सकती है। ए रमा, वो काका धमका रही है। अरे पहले अपने पति से पूछ कि ओके साथ तैसे काहे किया। एक तो प्रेम का नाटक किया, अब ऊपर से पहचानने से भी इनकार कर रहा है। क्या होगा अब इस बेचारी का? देखिए, पति पत्नी के बीच का मामला है, आप कोई ना बोले तो अच्छा है। देखो भाइयों, मुझे लगता है जिस मोहल्ले में पहली बार लाइट लगती है उस मोहल्ले का कोई खास व्यक्ति ही लाइट को जलाता है, और इस मुहिम की शुरुआत तो भीमराव ने की है, इसलिए मैं चाहता हूं इस लाइट को भीमराव जलाए। जो भाइयों, सही कहा ना? आइए अपने सुबातों से लाइट जलाइए। ऐसा क्या है भीमराव, तीसमार खान है जो वो लाइट जलाएगा, और वही अकेले मोहल्ले में नहीं रहता है, हम लोग भी रहते हैं। तो काका, फिर आप आकर लाइट जला लीजिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे बस इस बात से मतलब है कि आज हमारे मोहल्ले में लाइट लगी है, अब रोशनी आने वाली है। आइए आप। अगर हितेश काका ने लाइट जलाई तो लाइट मैं फोड़ दूंगा। दीपक, तू क्यों लाइट फोड़ देगा? हमने इतनी मेहनत से लाइट लाई है यहाँ पे, वो क्या फोड़ने के लिए लाई है क्या? हितेश लाइट नहीं जलाएगा, मैं उसे लाइट जलाने नहीं दूंगी। भ्रम पाल लो सब, अब यहाँ लाइट लग जाने से यहाँ रहने वालों की जिंदगी में रोशनी नहीं आने वाली। ए हितेश, तुम जाओ अंदर, अपना कमरा बंद कर दो और अंधेरे में सड़ो जा। आओ भीम, लाइट जलाओ। रमा, चलो दोनों मिलकर लाइट जलाते हैं। अब कोई ये मत सोचना कि भीम लाइट जलाएगा और मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाने वाला नहीं। हाँ, ताली वाली तो हम ना बजाओ। हाँ भैया, ताली वाली हमसे भी नहीं बजी। रोशनी से मेरा क्या काम है, मैं भी ताली नहीं बजाऊंगा। आओ। रुको भैया, इससे जलाओ। उठो भीम, आज से तुम सबके साथ भीतर जाके पढ़ोगे। आप में से कोई भी हमारे पानी पर रोक लगाने नहीं आएगा, पर मैं तो कहता हूँ कि रोक लगा ही नहीं पाएगा। याद रखूंगा उम्र भर, जिस दिन मेरी पत्नी लौट के घर आई थी उस दिन मेरे मोहल्ले में लाइट लगी थी और रोशनी आई थी। आप सबका हो गया हो तो मेरी समस्या पर भी रोशनी डालिए। प्रेम के नाम पर सालों तक धोखा खाने वाली ये गोमती अपने भविष्य का फैसला
आप सब चाल वालों के हाथों सौंपती है। नरोत्तम जोशी ने महीने के हिसाब से पैसे देने का कहा था और यहाँ एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और ये रमा घर लौट आई है। सोचना होगा गुमती, सोचना होगा कुछ। क्या सोच रही है कि मोहल्ले वाले तुम्हें इस घर में मेरी जगह बिठा देंगे? सोच, सोचने में क्या जाता है? सोच सोच, खूब सोच, लेकिन मेरे घर के बाहर जाके ढंग से बात करो। अभी मोहल्ले वालों ने फैसला नहीं किया है मेरे भविष्य का, लेकिन एक पत्नी ने फैसला कर लिया है। तुझे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, जरूरत पड़ने पर हाथ मरोड़ कर सीधा कर दूंगी। और इतना भरोसा है ना मोहल्ले वालों पर, जा उनके ही घर में जाके रह ले। ए, क्या कर रही? और चल। रमा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। देखिए, अब जहां से आई है वहां चली जाइए, बाकी जो कुछ भी है, लेकिन आप एक औरत है और आपके साथ ये सब कुछ होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये सौतन बनने की चाहत है ना, बल तेरे साथ मैं कुछ भी करूंगी, आपको अच्छा लगे या ना लगे। सहमति चाहती है तो यहाँ से बाहर निकल। रमा, क्या क्या किस तरह से बात कर रही हो, क्या कर रही हो ये? देखिए, बाकी चीजों में बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन इस मामले में आपकी भी नहीं सुनूंगी। लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि कौन सही है और कौन गलत। आई, आप इनके खिलाफ रही, मैंने कुछ नहीं कहा। आप मेरे खिलाफ रही, तभी भी मैंने कुछ नहीं कहा। आप मेरे भाई बहन के खिलाफ रहे, तभी भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आप इसके पक्ष में रहेंगी तो माफ कर दीजिए, मैं चुप नहीं रहूंगी। बिना न्याय मिले मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। डरती हूं क्या मैं किसी से? चीचा भाई, रमा की बात समझ में आई है तो समझ जा। दूसरों की गृहस्थी में आग लगाने वाले के कभी भी अपने घर सुरक्षित नहीं रहते हैं, समझी? तुम्हें भी कुछ बोलना है? मैं क्या कहूँ भाई, मैं तो हमेशा आपके साथ रहती हूँ, आपको समझती भी हूँ। लेकिन आई, गोमती का यार है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस घर में भीम के कारण जितनी मैं घुटती रही हूं, जितनी तरह की तकलीफें मैंने झेली है, उसके बदले मैं कुछ भी करूं वो सही ही होगा। और ये वचन मैं अपने आप को कई बार दे चुकी हूं। भीम का जीवन नर्क बनाने का एक भी मौका कभी नहीं छोड़ूंगी मैं, कभी नहीं। देखो भाइयों, अब बात समाज के ताकत की है। गोमती ने अपने भविष्य का फैसला हम लोगों पर सौंप दिया है, तब पंचायत लगा करके उसके भविष्य का फैसला करना और उसको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है।
अरे मन में पहले ही फैसला किए बैठे हो कि उस गोमती को भीम के घर में जगह दिला दो ताकि भीम और रमा पीसे, तब समझती हूँ मैं। अरे तो पंचायत के समय आपा हुआ रहना डलिया अम्मा, देखे खातिर कि पंचायत गवाह और सबूत के ऊपर निर्णय करा थी कि नहीं, ठीक है ना भाई? हाँ सही बात। चलो। हाँ चला भाई, अपने अपने घर चला। चल हम आवत हैं भाई। जीजा भाई देखो बात करनी थी आपसे। ए हरी आइए ना। क्या हुआ? जीजा भाई अगर पंचायत में कौनो तरह से ई फैसला आ जाए कि गोमती के इहे रहे के पड़ी, तुम्हारा तो बहुत फायदा है कि नहीं? अरे हम जानी थे तुम बहुत दुख झेली हो, अब गोमती घर में आ जाई तो सेवा करी। कहे कि अब रमा जैसी बहू से कोई सास को का फायदा हो सकत है कि नहीं? लेकिन कैसे हो गई? अभी तो तुम्हें के सोचे के पड़ी, खुद समझदार है, हम का बताएं। ठीक है तब। दीदी कारखाने में ये हुक्म मिला है कि अब कोई भी अपने घर नहीं जाएगा बल्कि दिन रात कारखाने में ही काम करेगा, इसीलिए राम जी वहां रुक गए और मैं ये खाना लेने के लिए आया हूँ। अब मैं जाकर ये राम जी को खुशखबरी दे देता हूँ कि रमा मिल गई है और भीम ने एक और लड़ाई जीत ली है अपने चौल में लाइट लगवा कर। हाँ लेकिन भैया इस तरह दिन रात काम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। हाँ दीदी लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, ये सब वो नरोत्तम जोशी हम लोगों से खुन्नस निकालने के लिए कर रहा है। देखिए अब ये सब कब तक सही होता है। बस दीदी आप भीम को कारखाने मत आने दीजिएगा। चलता हूं मैं। सातारा में दुश्मन की कोई कमी नहीं थी, पंडित जी, सेठ जी, महाराज, चाय वाला, और यहां पर भी धीरे धीरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। नरोत्तम, रेशम सेठ, गोमती, हितेश, पता नहीं आगे कौन कौन बढ़ता जाएगा। बुआ आप परेशान मत हो, सातारा जीता था ना हमने, बंबई भी जीत लेंगे, बस सब सही हो जाए। वो भीमराव इतना आसान काम नहीं है उसको वश में करना, बहुत मुश्किल काम है ये। आप ही बताइए क्या करूं अब मैं। शांत गोमती शांत, आसान काम होता तो थोड़ी ना इतने पैसे देता जितने मैं तुम्हें दे रहा हूं। पैसों से क्या होगा? मैं बताती हूँ, अगर भीम को वश में नहीं कर सकती तो बदनाम कर दो। नरोत्तम जोशी जी, मैं आपके साथ हरगिज नहीं हूं लेकिन उस भीम के खिलाफ जरूर हूं हर समय, इसलिए मैं गोमती के साथ हूं। पर कैसे करूं बदनाम में, कोई उपाय भी तो हो। उपाय तो कई है, वैद्य के पास जाओ, उनके पास तरह तरह की दवाइयां होती है।